मौत का नाम तो यूं ही बदनाम है सर, असली दर्द तो हमें जिंदगी देती है। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार की सीक्वल सन ऑफ सरदार दो फीट की शूटिंग शुरू हो गई है। अभिनेता अजय देवगन ने पोस्ट कर इसकी झलक दिखाई है। अजय देवगन अपनी साल 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार के बहुप्रतीक्षित सीक्वल के ऐलान के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। सन ऑफ सरदार दो फीट के निर्देशन की कमान विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। मंगलवार को अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार के सीक्वल की शूटिंग शुरू होने की घोषणा की। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग स्कॉटलैंड में हो रही है। अजय देवगन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी है। क्लिप में सेट के विभिन्न पलों को कैद किया गया है, जिसमें दमदार एक्शन सीन, होली समारोह, जबरदस्त डांस, अजय के बेटे युग की झलक और सुपरस्टार का गुरुद्वारा जाना शामिल है। वीडियो को पोस्ट करते हुए अजय देवगन ने कैप्शन में लिखा है, सन ऑफ सरदार दो की यात्रा प्रार्थनाओं, आशीर्वाद और एक अद्भुत टीम के साथ शुरू होती है। हालांकि इसी बीच फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर एक दिल तोड़ने वाली खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो संजय दत्त फिल्म से बाहर हो गए हैं। अभिनेता के फिल्म से बाहर होने की वजह यह है कि उन्हें यूके का वीजा नहीं मिल पाया है, जहां उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए जाना था। खबरें तो यह भी हैं कि फिल्म में संजय दत्त की जगह अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ले सकते हैं। अश्विनी धीर द्वारा निर्देशित फिल्म सन ऑफ सरदार SS राजमौली की फिल्म मर्यादा रमन्ना की रीमेक थी। इसमें संधू और रंधावा परिवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी और इसमें संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और जूही चावला ने अभिनय किया था। इसके अलावा अजय देवगन के पास रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित सिंघम अगेन भी है। यह फिल्म दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी।